हाँ मुझे पता है कि ज़िंदगी आपको बास मौके पे गिराएगी, लेकिन गिर के उठने का मज़ा ही अलग है। और दोस्तों को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि दोस्त आपकी पूरी ज़िंदगी आपका साथ देते हैं, और उसमें से कुछ लोग धोखेबाज, मक्कार और आस्तीन के सांप निकलते हैं। आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं, आप ज़मीन पर गिर सकते हैं, आप पहाड़ तोड़ सकते हैं, आप उसी पहाड़ को तोड़ के आप सोना बना सकते हैं, उसी सोने को तोड़ के डायमंड बना सकते हैं, उसी डायमंड को तोड़ के आप कोयला बना सकते हैं, और उसी कोयले को तोड़ के आप बारबेक्यू बना सकते हैं। तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, जी हाँ तुम कर सकते हो। तुम चार की जगह 5 पुशअप्स लगाओ, तुम 4 की जगह 6 पुलअप्स लगाओ, तुम 6 की जगह 7 बाइसेप के सेट्स लगाओ, तुम कर सकते हो। तुम ही करोगे, तुम करोगे बेटा, तुम ही करोगे, सही है ना, तुम ही करोगे। और तुम उड़ सकते हो, और तुम गाड़ी चला सकते हो, और तुम कर सकते हो। कल नहीं, आज अभी फौरन कर सकते हो। जी हाँ आप कर सकते हैं, वैसे सही है, अभी आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो आप कर सकते हैं, अभी के अभी बना सकते हैं, जिस तरह मैंने बनाई है। यस कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो कैसे बनाते हैं। काफ़ी आसान तरीका है, बेसिक वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए बस आपको। बेसिक वीडियो एडिटिंग आती है तो आप ये कर सकते हैं। मैं अपना एक प्रोसेस जल्दी से शेयर कर दूं। अगर मैं 3-4 दिन लगाते इस पर तो प्रोफेशनल सी बनती, लेकिन हमें जल्दी बनाई थी तो जल्दी जल्दी में हमने रिकॉर्ड करके एडिट कर दिया। तो सबसे पहले आपके पास कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें आप आवाज़ रिकॉर्ड कर सकें, उस पर आप जो चाहें बोल दें। मिसाल के तौर पर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम दुश्मन से लड़ो, अगर है तो लड़ो। तो आई थिंक इतनी काफ़ी है। मैं फड्डे वाली बातें क्यों कर रहा हूँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने एक्स्ट्रा हिस्से साफ़ किए, यहाँ से सिलेक्ट किया, शिफ्ट पी दबाया, सैंपल आ गया मेरे पास, इस पूरे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट पी दबाया और इसे हमने साफ़ कर दिया। ये जो आवाज़ यहाँ पर रखी हुई है इसको मैंने मल्टी ट्रैक के अंदर डाल दिया। मल्टी ट्रैक बनाया मैंने, यहाँ साइड में उल्टा हाथ पे ऑडियो है मेरे पास। अब मैं इसे डालूँगा मल्टी ट्रैक के अंदर, ये उठा के मैंने यहाँ डाल दिया। और यहाँ मुख्तलिफ साउंड्स है मेरे पास, ये कॉल ऑफ ड्यूटी की आवाज़ में डाल रहा हूँ, वोकल्स में। अब इसे मैं हल्का सा पीछे करूँगा क्रॉप करके, यहाँ से हम आसानी से क्रॉप कर सकते हैं। अब प्ले करता हूँ। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम दुश्मन से लड़ो, अगर है तो लड़ो। इन दोनों को मैंने मल्टी ट्रैक सेशन में किया और इसे मैंने डाल दिया, कहाँ डालूँ, इंटायर सेशन। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम दुश्मन से लड़ो, अगर है तो लड़ो। काफ़ी अच्छा आ गया। अच्छा, ये एक्स्ट्रा हिस्सा मैं उठा के डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा आवाज़ थी मेरे पास, अगर है तो लड़ो। अब इतना जो हिस्सा है ना इसकी आवाज़ में कम कर दूंगा। अब यहाँ आवाज़ थोड़ी खाली रह रही है, तो इस पूरे को मैं सिलेक्ट करके इसमें ईको भी डाल दूंगा, या ईको का ऑप्शन है, स्पूकी ईको, और इसके लेवल्स थोड़े हम कम कर देंगे ईको लेवल को। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम दुश्मन से लड़ो, अगर है तो लड़ो। सही है, आई थिंक इतना काफ़ी है। तो सुने एक बार, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम दुश्मन से लड़ो, अगर है तो लड़ो। अच्छा खैर बहुत हो गया, इस पूरे को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसमें कुछ टिप्स मैं दे देता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड में आवाज़ है ना, जो पीछे मैंने लगाई थी हो करके जो इसके पीछे आ रही थी, उसे हल्का रखें और अपनी मेन आवाज़ को तेज़ रखें। कभी कभी कुछ वीडियोस में इतनी तेज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रही होती है, मैं काट देता हूँ, कहता हूँ यार मैं म्यूज़िक सुनने थोड़ी आया, मैं तो कोई लेक्चर या जो भी बात है वो सुनने आया हूँ। तो डिस्ट्रैक्टिंग रहती है बैकग्राउंड में, आप आवाज़ को हल्की रखें या नहीं डालें बेहतर है, लेकिन इस तरीके से उसे हल्का रखा करें। अच्छा दूसरी बात, बीच में कोई स्लो मोशन सीन डाल दें, जैसे यहाँ मुक्का पड़ा मैंने स्लो मोशन कर दिया, या फिर आप स्पीड में भी कोई सीन डाल सकते हैं जिसमें, जिसे आप टाइम लैप्स कह सकते हैं, स्पीड में चीज़ें गुजर रही हूँ। और ऑडियो और वीडियो को मैच करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ गिरने का बोला था माज ने, तो गिरने का सीन आ गया कि ज़िंदगी आपको गिराएगी, इसी तरह कुछ। या फिर और कहाँ मैंने बोला था, यहाँ दोस्तों के बारे में बात की थी, तो मैं यहाँ बैठ गया था जैसे मैं इसका दोस्त हूँ। वैसा असली में तो ऐसा सीन नहीं है कि मैं इतना अमीर हूँ, देखिए कैसा गर्मियों में मैंने ये जैकेट पहनी थी यार, हद हो गई। खैर तो इस बात का ध्यान रखना है कि ऑडियो में जो बोल रहे हैं वही चीज़ स्क्रीन पे बनी हुई है, ये नहीं कि आपने यूट्यूब से कोई वीडियो उठा ली और वो उठा के लगा दी। और
एक और लास्ट चीज़ के माइक अच्छा वाला लें, यानी मुझे नया माइक लेना है, मेरी अभी ऑडियो इतना ज़्यादा HD नहीं, लेकिन अगर बहुत ही अच्छा माइक हो हाईफाई लेवल का तो बेहतर रहेगा आपके लिए। और वीडियो सेकंड पर रखें, यानी अच्छी वीडियोस आना ज़रूरी है लेकिन ऑडियो फर्स्ट पे, फिर वीडियो को आपको सेकंड पर रखना है। इस टाइप की टेक्निक्स आप मोटिवेशनल वीडियो ही नहीं, अगर किसी लेक्चर से आपको कोई बात काट के शेयर करनी है उसके पीछे वोकल्स लगाने हैं तो यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई शेर व शायरी पढ़ और इनको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक यूज़ आना चाहिए, वीडियो एडिटिंग बेसिक वाली आनी चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको हो सकता है फ़ायदा हुआ हो। मैं सैयद उस्मान फ्रॉम क्रिएटिव गेम, शुक्रिया। आपको भी वीडियो बना सकते हैं। बाय।